ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਦੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਭਾਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਬ ਘਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਬ ਵੀ ਆਪਕੀ ਮਾਂ ਆਪਕੀ ਉਡੀਕ ਕਰਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਤਬ ਵੀ ਆਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਮ ਸੇ ਜਬ ਆਤੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਜ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕਾਮ ਕੀਆ, ਇਤਨਾ ਕੀਆ, ਕਿਤਨੇ ਕਮਾਏ, ਇਤਨੇ ਕਮਾਏ। ਮਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਯਹੀ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਕੁਛ ਖਾਇਆ ਵੀ, ਐਸੀ ਹੈ ਭਾਵ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ ਜਨਨੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਚਫੀਲਡ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਾਸੀ ਜੀ ਕੀ ਓਰ ਸੇ 50 ਪਾਊਂਡ ਕਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਚਣ ਮੈਂ ਆਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਯੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਆਪਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਾਸੀ ਜੀ ਔਰ ਆਪਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ 5 ਪਾਊਂਡ ਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਚਣ ਮੈਂ ਹਮ ਆਪਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਿਤੀ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਜੈਸੇ ਮੁਰਲੀ ਬੋਲ ਕਿਸਨੇ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਲੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਹਾਏ, ਮੁਰਲੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਰਾਧੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਆ, ਮੁਰਲੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਰਾਧੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਮੁਰਲੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਰਾਧੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਮੁਰਲੀ ਮੇਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮੇਰੀ ਮੁਰਲੀ ਹੋਏ ਹਾਏ ਰਾਧੇ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਮੁਰਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਮੁਰਲੀ ਕੋ ਮੇਰੇ
इसी तरह एक और उस प्रभु चरणों में अर्पित कोशिश करूंगा, क्योंकि गला ठीक नहीं है, साफ तो दे सकता हूं मगर भजवन राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद भजवन राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे Bhajo Radhe Govind, Bhajo Radhe Govind, Bhajo Radhe Govind, Bhajo Radhe Govind, Bhajo
यशोमती के गोविंद भजो नंद के गोविंद यशोमती के गोविंद भजो नंद के गोविंद देवकी जी के गोविंद वासुदेव के गोविंद देवकी जी के गोविंद वासुदेव के गोविंद ओ भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो गीता के गोविंद महाभारत के गोविंद भजो गीता के गोविंद महाभारत के गोविंद ओ भजो गीता के गोविंद महाभारत के गोविंद भजो गीता के गोविंद महाभारत के गोविंद भजो धर्म के गोविंद भजो कर्म के गोविंद भजो धर्म के गोविंद भजो राधे 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 गोविंद मन राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद भजन राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद गोविंद भजो सूर के गोविंद भजो मीरा के गोविंद भजो सूर के गोविंद भजो संतों के गोविंद भजो भक्तों के गोविंद भजो संतों के गोविंद भजो भक्तों के गोविंद ओ भजो राधे गोविंद 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 मन राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद मन राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद भजो राधे कृष्णा राधे राधे गोविंद राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय भजमन राधे कृष्णा राधे गोविंद यही एक मंत्र है मूल मंत्र कह लीजिए
उस प्रभु का नाम लेते हुए उस समाधि तक पहुंचने का एक तरीका। और आज हमारे बीच रत्नेश शर्मा जी भारत से आए हुए हैं और उनका भी मन हो रहा था कि मैं भी आज प्रभु चरणों में माँ चरणों में हाजिरी लगाऊंगा। और बहुत ही अच्छा गाते भी हैं और लिखते भी हैं, भारत में भी मेरा ख्याल इनकी अपनी भजन मंडली है। तो आज आपके मुखारविंद से सुनेंगे, थोड़ा माइक्रोफोन से थोड़ा आगे आ जाएं तो बढ़िया रहेगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे मेरी माई सचिया जोता वाली माता दी सदा जय जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे करवाली की अज रोन काने बेड़े तेरे करके वो तेरे करके 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 अज रौन काने मैया तेरे करके अज रौन काने मैया तेरे करके तेरे करके सब कुछ आने तेरे करके तेरे करके ओ मैया तेरे करके तेरे करके अज रौन काने मैया तेरे करके अज रौन काने मैया तेरा चिर Thank you.
के वेड़े में और आपके वेड़े में इसी तरह रौनकी लगी रहे तो और क्या चाहिए। और देखिए आज आपने ये रौनके एमए टीवी के वेड़े में लगा दी और बहुत ही अच्छे भाव। और क्या सुनाएंगे? जकारा शिव शंकर भोले भंडारी जी दा बोल साचे दरबार की जय। पार्वती दे बूहे अगे शिवा ने बैंड बजाया गौरांदा नी देखो लाड़ा चढ़ बैल दे आया Yeah.
शंकर भगवान की जय। गौरांदा देखो लाड़ा चढ़ बैठते आया। देखिए भाव है। हाँ ऑलराइट। तो जैसे मैंने कहा त्रिलोकी के दाता जिन्होंने तीनों लोकों को रचा और उनको एक भंगेड़ी बाबा बना दिया जाए, ये हमारी गौरजा माता की सहेलियों का एक स्वांग जिसको बोलते हैं स्वांग रचाया गया था कि देखो त्रिलोकी का जो दाता है तेरे दर के ऊपर एक भिखारी और भगेड़ी बन के आया है, ऐसी बात नहीं है। उस दयावान का हम सब पे हाथ इसी तरह ही रहना चाहिए। और एक प्रार्थना, दया करो हम पे भोले शंकर, दया के सागर कहलाने वाले, दया करो हमपे भोले शंकर, दया के सागर कहलाने वाले, दया करो हमपे भोले शंकर, दया के सागर कहलाने वाले, महादेव शंकरों हर हर भक्तों के दुख मिटाने वाले, महादेव शंकरों हर हर भक्तों के दुख मिटाने वाले, दया करो हम पे भोले शंकर।
ਸਦਾ ਸੁਰਹਿਤੀ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ
शंकर भगवान की और आशुतोष महाराज की जयकारा शेरा वाली का और साचे दरबारी की। हरि भक्तों, एक तो और सोचना है हमारी बहन इला अखानी जी और इन्होंने एस लखानी फैमिली, पहले नाम है एस लखानी लिखवाया फिर इला, और बहुत से नाम है मगर वो इला अखानी जी ने जे 21 पाउंड की धनराशि ये लंदन से पेनर से हैं उन्होंने भेजी है। इन्होंने साथ में फैमिली की हेल्थ के लिए भी प्रार्थना करने के लिए बोला, और सरोज लखनपाल जी के ने फिर से 11 पाउंड की धनराशि और दी है, और इनके अपने माता पिता मिस्टर परशोत्तम कुरजी और रंबाबेन ममोत्रा जी उनकी याद में 11 पाउंड की धनराशि प्रभु चरणों में भेजी है, और साथ ही इन्होंने फैमिली की गुड हेल्थ के लिए चिल्ड्रन के लिए प्रार्थना की है कि महामारी सभी को तंदुरुस्त रखे और ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें। और अभय कक्कड़ जी बोल्ड पार्क मिल्टन कीन से 11 पाउंड की धनराशि प्रभु चरणों में भेज रहे हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, महामारी इनके भी भंडारे भरपूर रखे। जयकारा श्री वाली दा बोल साचे दरबार की जय। और एक राजू राम भाई जी 51 पाउंड की धनराशि साउथहैम्पटन से आई है, महामारी इनके भी भंडारे भरपूर रखे। और कौन, हाँ, और 51 पाउंड की धनराशि प्रभु चरणों में जो आई है, महामारी इनके 51 लाख पाउंड बनाए, ये हमारी प्रार्थना है और परिवार को तंदुरुस्त रखे। और एक प्रार्थना, ईश्वर तू है दयालु, जयकारा ईश्वर वाली का बोल साचे दरबार की। ईश्वर तू है दयालु, ईश्वर तू है दयालु, दुख दूर कर हमारा। Oh,
दूर कर हमारा भूमि आकाश तारे रवि चंद्र सिंधु भारे भूमि आकाश तारे रवि चंद्र चांद तारे भूमि आकाश तारे रवि चंद्र सिंधु भारे भूमि आकाश तारे रवि ईश्वर तू है दयालु दुख दूर कर हमारा बहुत ही अच्छे भाव। तो इसी तरह नरेश बहन भी बहन जी को
कुछ तुसी भी रखोगे नरेश जी जकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय मैं कागज दी बेड़ी मेरा बा तू मैनु डूब दीनु पार लगाया शुक्र करा तेरा हर वेले मैं जो मंगिया सो पाया मैं जो मंगिया सो पाया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया शुक्र दातिया शुक्र दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया जिंदगी रही गुजर दातिया शुक्र दातिया शुक्र दातिया शुक्र मेरे पल पा दे तू
सवर दातिया शुक्र दातिया जिंदगी रही है जिंदगी रही है गुजर दातिया शुक्र दातिया शुक्र दातिया बोल साचे दरबार की शुक्र दातिया। देखिए जब भी आप उसकी शरण में बैठो तो उसका शुक्राना करना चाहिए, हर बात हर वक्त धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु हे माँ हे ईश जो भी आपने दिया है वो आपका ही प्रेम भाव दान जो भी आप समझे ये यहाँ तक के ये जीवनी जो है वो भी आपकी ही देगी। थोड़ा सा शुक्राना ऐसे बैठ के कभी कर ले क्या ही अच्छा हो, और उसके साथ साथ अपनी नेक कमाई में से जिदा पंजाबी च कहंदे ने कि दसवंद देनी चाहिदी है, दसवंद नहीं तो कुछ परसेंटेज तो आपका इस दान पुण्य में जाना ही चाहिए। अभी भी आपके पास मौका है, हमारे पास 10-15 मिनट है, तो फोन के ऊपर दो भाई हमारे बैठे हैं तो आप अभी भी अपना योगदान भेज सकते हैं। तब तक देशराज जी अपनी भेंट बहन के साथ आपको आनंदित करेंगे। Thank you.
सुनती है।
ਜੈਕਾਰਾ ਈਸ਼ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਅੰਬੇ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਚਾਚਾ ਸਭ ਕੀ ਹੀ ਤੂੰ ਸੁਣਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਭੇਂਟ ਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਟੇਚਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜੋ ਆਜ ਫੋਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ 11 ਪਾਉਂਡ ਕਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਟੇਚਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਛਣੋ ਮੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭੁਤਪੂਰ ਰੱਖੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ 3 ਮਿੰਟ ਹੈ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਹੋਗੀ ਅਭੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਕੁਟੇਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਫੋਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਨਕੋ ਆਪ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭੇਜ ਸਕਤੇ ਹੈ प्रभु जी तुम याद आते क्यों नहीं प्रभु जी तुम याद आते क्यों नहीं हो प्रभु जी तुम याद आते क्यों नहीं हो प्रभु जी तुम याद आते क्यों प्रभु जी तुम याद आते क्यों नहीं हो मुझे अपना बनाते क्यों नहीं हो मुझे अपना बनाते क्यों नहीं हो प्रभु तुम याद आते ਜਗਤ ਮੇਰੀ ਜੋਤੀ ਜਗਤ ਮੇਰੀ
भाई बहनों, आज की ये चौकी यहीं पे समापन होने जा रही है। तो आरती के लिए मैं कुटेचा जी को भी और रत्नेश जी को भी यहाँ बुलाना चाहूंगा, तो आरती में सम्मिलित होइए। और नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है दैट्स ऑन 28th of September को ये हमारी अगली चौकी होगी, सैटरडे, लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर, 28th of September। तो याद रखिए और आपका सहयोग अगला प्रोग्राम हमारा 28th of September को होगा।